दोस्तों वन प्लस ने 12 सीरीज का एक जबरदस्त फोन अभी हाल ही में लॉन्च किया है और ये फोन बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ मार्केट में आया है और लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया है। इसी सीरीज में वन प्लस एक और फोन लॉन्च करने जा रहा है, वन प्लस 12R। ये फोन 2023 के लास्ट में लॉन्च होने के पूरे चांसेस हैं। आइए देखते हैं कि इस फोन के स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं और किस तरह से ये वन प्लस 12 से बेहतर परफॉर्मेंस देगा। चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का प्रोसेसर इसमें रहेगा, ऑक्टाकोर 3.2 गीगाहर्ट्ज़ सिंगल कोर और 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर है। ये आर्किटेक्चर 64 बिट का है, एड्रीनो 740 का ग्राफिक जीपीयू है इसमें, रैम 12GB की है और 128GB की स्टोरेज के साथ ये फोन अवेलेबल होगा। स्टोरेज के मामले में एक ड्रॉबैक तो अभी दिख रहा है कि इसमें आप अपने स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, जो स्टोरेज इसमें है वही स्टोरेज आपको मैनेज करना पड़ेगा। रैम की टाइप LPDDR5 है तो रैम तो बिल्कुल लेटेस्ट है। डिस्प्ले एमोलेड 6.7 इंच का है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 443 PPI की पिक्सल डेंसिटी है, बेजल लेस डिस्प्ले है। इसमें ये बहुत ज़्यादा इसको प्रीमियम बनाने की कोशिश करी गई है, बेजल्स को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया गया है। पंच होल कैमरा डिस्प्ले है ये, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। कैमरा सेटअप ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP का मेन कैमरा है और 8 MP का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 32 MP का टेलीफोटो कैमरा है, यानी कि 2x का जूम आपको इसमें मिलेगा। दोस्तों जब से सैमसंग ने S23 अल्ट्रा में चांद की फोटो जूम करके दिखाई है तब से ये एक ट्रेडिशन बन गया है कि कैमरे में जूम अच्छा होना चाहिए और अब जितने फोन आ रहे हैं वो जूम पर काफी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा 4K 60fps की वीडियो रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हैं, HDR का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगा और इसके अलावा फेस डिटेक्शन जैसी चीजें भी अवेलेबल हैं। फ्रंट कैमरा सिंगल कैमरा सेटअप है, 16 MP का कैमरा है और फुल HD 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की बैटरी है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग है इसमें। रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग है या नहीं अभी इस मामले में थोड़ा सा डाउट है। इसके अलावा डुअल सिम 5G सपोर्ट मिलता है, 5G के जितने भी बैंड्स इंडिया में हैं वो सभी सपोर्ट करते हैं इसमें। वाईफाई 5 है और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 अवेलेबल है। USB टाइप सी सपोर्ट है जिससे आप मास स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें इन डिस्प्ले दिया गया है और ये वाकई में बहुत ही फास्ट है। जैसा कि अभी तक के लीक्स आ रहे हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है अपने 12 के पहले की सीरीज से। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल फ़ोन में होती हैं वो अवेलेबल होंगी। अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी मटेरियल जहाँ तक इसमें मेटालिक होने की पूरे चांसेस हैं क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज है दोस्तों वो 45,000 के ऊपर होने वाली, यानी ये बहुत ही प्रीमियम फोन है तो डेफिनेटली इसकी बॉडी मेटालिक होगी या और कोई हाई क्वालिटी मटेरियल भी इसकी स्ट्रक्चर में यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों यही है आने वाला फोन। अगले वीडियो में मैं फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने जरूर आऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने आता हूँ, तब तक रजनीश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।